आज बात करते हैं डिक्शनरीज की। डिक्शनरीज पाइथन में नेम वैल्यू पेयर या की वैल्यू पेयर होते हैं। जैसे अगर मैं एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करूं तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है। आपको याद होगा लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहां पर हम ब्रेसेस देंगे यानी कि ये, और हर एक की के साथ वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं करता हूं एफ फादर के लिए, तो फादर हो गए आपके मिस्टर एक्स या कोई नाम दे देते हैं राम। तो ये जो की है इसके लिए वैल्यू है, तो ये की वैल्यू पेयर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, अब मदर देख लेते हैं, तो ये मदर हो गई एम के लिए, और मदर का नाम भी दे देते हैं, कोलन लगाते हैं यहां पे, और ये आपका हो गया रीना कर देते हैं। ओके, अब ये एक नेम वैल्यू पेयर हो गया, मदर है रीना। एक और दे देते हैं ब्रदर के लिए, तो कॉमा से सेपरेट होगा ये, फिर सिंगल कोट्स में ब्रदर, और कोलन लगा के यहां पर आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे श्याम। ओके, अब यहां पर हमारा ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। एक हमने बंद अप ऐसे करेंगे, हमने क्या है एक डिक्शनरी बना दी, दिस इज डिक्शनरी। ये एफ एम और बी इसमें की है और वैल्यू है राम रीना और श्याम। इसको प्रिंट करा के देखें, ये हमारी डिक्शनरी है, देखिए ये आपकी डिक्शनरी बन गई। अब अगर आपको स्पेसिफिक चीज निकालनी है इसमें, मान लीजिए कि आपको डैड पता करना है, ये ब्रदर पता करना है कौन है, तो आपको करना क्या होगा इसमें, आप डिक्शनरी का नाम लिखिए और अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहां पर लिख दीजिए जो आपको चाहिए। तो एम बी वाई ब्रदर के लिए देखें क्या देता है, इसने शाम दिया। इसी तरीके से अगर आप एम करते हैं तो आपको रीना का नाम आना चाहिए, तो ये रीना। ये तरीका हुआ आपका एक डिक्शनरी बनाने का और डिक्शनरी को की वैल्यूज को एक्सेस करने का। अब इसमें क्या है, एक और आप कॉपी का देख सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए फैमिली है और मैं फैम करके एक सेकंड फैमिली बनाता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि पूरी इस पूरी फैमिली के टर्म्स इसमें कॉपी कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं केवल यहां पर इज इक्वल टू करूंगा इस तरीके से, और फैमिली हमने क्योंकि बना रखी है, फैमिली और डॉट कॉपी, बस आपको इतना करना है। तो इससे हुआ क्या कि यहां की चीज फैमिली की सारी चीज कॉपी होगी, फैम में आ गई। अब देखते हैं फैम को प्रिंट करके क्या आता है, फैम में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फैम को प्रिंट करते ही हमने देखा कि फैमिली की सारी चीजें कॉपी हो गई। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू इसमें पता करनी है कि वो है क्या नहीं, अगर वो है क्या नहीं तो हम कैसे देख सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास ये फैम है, तो फैम डॉट हैज की, अगर है की है क्या नहीं, की के लिए, अब की कौन कौन सी हमारे पास, बी एम और एफ, तो ये आपका हैज की, और यहां पर आप देंगे जो भी आपको की पता करनी है, बी एम या एफ, तो एम देख लेते हैं इसमें। अब ये फंक्शन ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या किया है, वो डिक्शनरी ली है जो मैंने एक्चुअल डिक्शनरी से कॉपी की है, तो फैमिली लिखू या फैम लिखू बात एक ही है, हैज की से मैं पता करना चाह रहा हूं कि एम इसमें ऐसा कोई की है जो एम है, तो देखिए इसको करते हैं ट्रू, लेकिन इसको फॉल्स करके भी दिखाते हैं क्योंकि जो चीज नहीं है उसको ये फॉल्स देगा। जैसे बी एम एफ तो है, कुछ और दे दीजिए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो इसमें ना हो, तो पी दे दीजिए, ये इसमें फॉल्स देगा। तो ये आपका तरीका हुआ फाइंड आउट करने का कि की है क्या नहीं इसमें। अब एक और चीज है इसमें कि अगर आपको इसको क्लियर करना है, ये पूरे की पूरी चीजों को हटाना है, नया बनाना है या बिल्कुल क्लीन कर देना है, तो देखिए क्या करेंगे हम, फैम
और डॉट आपको केवल एक फंक्शन लिखना है क्लियर। ये देखिए आपको एक क्लियर फंक्शन लिखेंगे तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब फैम को प्रिंट करूंगा तो आपको केवल ब्रेसेस दिखे देंगे जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। देखिए आप ये फैम क्लियर हो गया। तो ये बात हुई आपके एक डिक्शनरी की। डिक्शनरी की ये कुछ मैंने आपको फंक्शनलिटीज बताई। तो धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।